हे एवरीवन, वेलकम टू ऑपिनियन। आई एम शिवम। इस वीडियो में मैं एक ऐसे टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूं जो मैंने रिसेंटली सीखा है, उसके बारे में जो बिल्कुल भी पता नहीं था। वैसे तो मैं सारे टेक्निक्स के बारे में जानता हूं, पर इस टेक्निक के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था और मैं नहीं जानता था कि ऐसे भी काम हो सकता है। तो जब मैंने सीखा तो मैंने खुद ट्राई किया 3 डेज के लिए एंड आई गॉट द रिजल्ट स्ट्रेट अवे। मतलब कुछ कोई भी रेसिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं हुआ, मुझे तुरंत रिजल्ट मिल गया। तो इस टेक्निक का नाम है लैडर टेक्निक। ये मेरा टेक्निक नहीं है, ये नेविल गॉडर्ड का टेक्निक है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो यू कैन गूगल हिम अप। ओके, वो उन्हीं को मैं पढ़ता हूँ। जब मुझे पढ़ना होता है किसी को तो मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ। ही वॉज द वन आई रेड इन आई गेस 2019 को। मैंने एक साथ 1.5 साल पहले उन्हीं को पढ़ा था जब मुझे पता चला था वास्ट वर्ल्ड के बारे में, जहाँ पे हम लोग बैठे बैठे क्रिएट कर सकते थे पर पता नहीं था। तो सबसे पहले बुक मैंने वही पढ़ी थी, फीलिंग इज द सीक्रेट, उन्हीं के बारे में, नेविल गॉडर्ड। तो अगर आपको उनके बारे में पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ो, बहुत ही बहुत शायद मे बी कैन चेंज योर लाइफ ट्रूली। तो वो टेक्निक जो है उनका टेक्निक है, मेरा टेक्निक नहीं है। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू दैट गाय। तो शाउट आउट टू नेविल। तो इस वीडियो में मैं लैडर टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ। वो टेक्निक क्या है कि लैडर जो है वो स्टेयर है, ठीक है? आपको तो पता है वो स्टेयर है, आपको ऊपर चढ़ना होता है उसमें। तो लैडर में क्या होता है कि इस जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये टेक्निक करते हैं, उसमें इमेजिन करते हैं कि हम अपना लेफ्ट हैंड सबसे पहले लैडर के लेफ्ट पार्ट को टच कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद राइट हैंड राइट वाले पार्ट को, उसके बाद हम लेफ्ट फुट लेफ्ट वाला पैर स्टेप इन करते हैं लैडर पे, उसके बाद राइट वाला, और धीरे 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 क्लाइंब करते हैं लैडर, ठीक है? ठीक है, धीरे धीरे क्लाइंब कर रहे हैं एंड आपको फील करना है कि आप क्लाइंब कर रहे हो, ठीक है? एंड देन यू हैव टू कम बैक, फिर ऊपर से जाना है, फिर नीचे से जाना है। और इन द प्रोसेस आपको इमेजिन करना है कि ये नहीं बोलना कि मैं लैडर चढ़ रहा हूँ, आपको बोलना है कि आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, या मैं लैडर नहीं चढ़ूंगा। बस मुझे मतलब चढ़ना ही नहीं है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, मुझे लैडर नहीं चढ़ना। अगर आपके घर में लैडर है तो आप ये करोगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि लैडर तो आपके पास है ही, तो शायद एक्सपेरिमेंट होते शायद अच्छे से काम ना करे। तो इन दैट केस आप कुछ और सोच सकते हो जो आपको नहीं करना है। लेट्स से कि मैं कोकोनट नहीं खाऊंगा, साउंड्स वियर्ड, बहुत ही अजीब साउंड करता है, पर जो मैं बता रहा हूँ बस अच्छे से सुनो, उसके बाद आप बताना कि इसे काम करेगा या नहीं, ठीक है? तो जैसे आपको बोलना है कि मैं कोकोनट नहीं खाऊंगा या मैं नारियल नहीं खाऊंगा, तो आपको इमेजिन करना है कि आप नारियल ही खा रहे हो, ठीक है? इमेजिन करना, लेकिन बोलना मैं नहीं खाऊंगा बस, लेकिन आपका टेंशन जो है वो नारियल पे, कोकोनट पे। तो इन दैट केस अगर ऐसा चीज ढूंढना है जो थोड़ा सा मुश्किल हो, जो घर की मतलब आपके अवेलेबल इतनी आसानी से नहीं हो, एक्सेस नहीं होना चाहिए उसका, अगर लैडर है तो दूसरा कुछ ट्राई कर लेना, लेकिन बाकी सब चीज सेम रहती है, ठीक है? तो आपको बोलना है कि आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, हाथ पे लिख लेना है, अगर स्टार्ट मॉर्निंग होते ही कॉपी में एक दो बार लिख लेना है, आपको जितना टेंशन हो सकता है आप दे दो, हो सकता है वॉलपेपर पे सेव कर सकते हो तो कर लो, और आपको वहां पे देखना है कि लैडर नहीं मैं चढ़ूंगा, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, और आपका टेंशन होगा कि ऐसे ऐसे मैं चढ़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे उतर रहा हूँ, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है? और जो उसका मेन पार्ट है वो है 3 रातों के लिए आपको करना, ये एक्सपेरिमेंट 3 दिन के लिए, ठीक है? 3 डेज के लिए। रात में सोने से पहले जब आप सोते हो तो आप कंफर्टेबल होके सोते हो, तो इसमें आपको अलग पॉस्चर में सोना है। अगर आप राइट सोते हो तो लेफ्ट सोना, अगर आप टमी के सारे में सो सकते हो मतलब फ्लिप करके, तो जैसे सोना है वैसे नहीं सोना, आपको थोड़ा सा अजीब तरफ से सोना है जिसमें आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाओ, और उससे क्या होगा कि आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, थोड़े से आप पार्ट के लिए थोड़े से देर के लिए आप जगे रहोगे, तो उस टाइम में आपको मेंटली अपने आप को देखना है कि आप वही लैडर ऊपर जा रहे हो लैडर में और नीचे आ रहे हो, ठीक है? असेंड करो डिसेंड करो, तो आपको देखना है उसी तरह, और बोलता है कि आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, चढ़ना ही नहीं है मुझको, बस कोई आसान कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, क्योंकि आपको तो लैडर चढ़ना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बोलता कि मुझे लैडर चढ़ना है, आई विल क्लाइंब अ लैडर, तो आपको लगता कि लैडर तो मेरे घर के आसपास है नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं था, और लास्ट टाइम कब मैं लैडर चढ़ा उसका तो कोई मुझे याद भी नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं बोलता कि आई विल क्लाइंब अ लैडर, थोड़ी मुश्किल होती आपको बिलीव करने में, हाँ मतलब कैसे मैं करूँगा, लैडर तो मेरे पास है नहीं, पर आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर में कोई परेशानी नहीं होती, हाँ वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होने वाला, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता। ये इस मेथड की सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, बाकी सारे मेथड में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें थोड़ी सी झिझक होती है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, होगा नहीं होगा, थोड़ा सा डाउट होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। आप नॉट लगा दो, उसको नेगेट कर दो स्टेटमेंट को, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, और आपका जो अटेंशन है वो उस लैडर पे, ठीक है? लैडर पे है, आप देख रहे हो कि मैं चढ़ रहा हूँ उतर रहा हूँ, बस आपको वही स्टेट में करते 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 आपको नींद आ जाएगी, आपको सो जाना है,
और आपको वो सो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। सुबह जब उठोगे तो थोड़ा उसके बाद 2-4 बार आपने रिकैप्चुलेट कर लिया कि आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, ठीक है। ये बहुत ही स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। ये बस बेसिक मेथड है, ये आप कर लिए तो बस लैडर रहा था कि जो आप चाहते हो वो आप कर लेना, लेकिन ये आपको होना चाहिए। दैट्स व्हाट ही रोट इन हिज बुक आई गेस। नेवल भी यही बोलते थे अपने स्टूडेंट्स को जब सिखाते, तो ये बोलते थे कि आपको ये करना ही होगा, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। 3 दिन के लिए आपको ये ट्राई करना है, उसके बाद मुझे वो मिलो, ठीक है। तो आपको भी 3 दिन के लिए ट्राई करना है हर रात को, और सुबह के मीन वाइल अपने आप पूरा थ्रू आउट द डे जितने बार आपको रिमाइंड कर सकते हो कर लो, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, जब आपको याद आए। और देखना है मेंटल कि वो चढ़ रहे हैं बस उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, इतना ही आप करो 3 दिन के बाद, उसका छोड़ दो, कुछ नहीं करना है 3 दिन के बाद। आपको कुछ नहीं करना है, बस ना रात में कुछ करना है, ना वॉलपेपर देखना, ना अपना हैंड पे कुछ पढ़ना है पाम पे, ना कुछ लिखना है, मेथड खत्म, आप छोड़ दो। उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं इसमें, या आप सच में लैडर चढ़ जाओगे या तो आप नहीं चढ़ोगे। इन केस अगर आप चढ़ गए, मतलब चढ़ने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप चढ़ ही जाओ, क्योंकि आप बोल रहे हो नहीं चढ़ूंगा नहीं चढ़ूंगा, पर आपका टेंशन चढ़ने पे, तो वो चीज हो जाएगी, ठीक है, कुछ मतलब जादुई वे में, वो मैजिकल वे में हो जाएगी। तो उसके बाद आपको आराम से बैठ जाना है, और जो चीज आप चाहते हो बस उसको नेगेट करके यही मेथड लगा देना, ठीक है। और अगर आपको इतनी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, वो चलो तो वो तो हो गया, तो बस टेंशन लो उस इतना बस करो, उसके बाद मैं नया वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या करना है। और जिनको जिनका नहीं हुआ है वो थोड़ा सा और 3 दिन के लिए थोड़ा सा और ज्यादा ट्राई कर लें, 4, 5, maybe 7, ठीक है। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि मैं जानता था अटेंशन जहां पे जाता है, मेंटल पिक्चर्स जो आदमी देखता है वो मैटर करता है, ना कि आपके वर्ड्स, ठीक है। आपका मेंटल पिक्चर यहाँ पे जो बन रहा है उसको आप कंसिस्टेंटली अगर आप होल्ड कर पा रहे हो इन योर माइंड, इफ यू कैन परफेक्टली होल्ड दैट पिक्चर इन योर माइंड, देर इज एब्सोल्युटली एवरी पॉसिबल वे दैट यू कैन हैव इट, वो होगा ही होगा। वो तो मतलब जो पिक्चर आप होल्ड किए वो बाहर आता ही आता है, बस थोड़ी देर के लिए। और रात में बात क्या है कि रात में आपकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, आप अलग ब्रेन वेव का अलग स्टेट में चले जाते हो, जैसे थीटा चले जाओगे फिर डेल्टा चले जाओगे, अभी बीटा में तो ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं होगा, थीटा में होगा फिर बीटा में फिर डेल्टा में चले जाएंगे, तो वहां पे अगर वो इमेजेस ज्यादा ज्यादा सबकॉन्शियस के एक्सेस हो जाता है उसको, ठीक है। तो आपको ये 3 रातों के लिए बस करना है, उसके बाद आप देखोगे कैसे मैजिकल वे में ये काम करता है। मुझे तो 3री रात जब मेरी खत्म हुई तो सुबह को ही मैं लैडर चढ़ाऊँ, अब पिछले साल का, पिछले साल के 2, 4, 5 साल से मैं कब लैडर चढ़ाऊँ कुछ चंदा जाने, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। तो अब मैं यही मेथड में दूसरा चीज डाल डाल के यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेथड सुबह बहुत यूज करता हूँ पर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, अच्छा बात ये। हाँ बस नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहिए तो अगर चाहने बोलते हो तो कुछ प्रॉब्लम भी होता है कि अरे चाहना है अगर तो कैसे आएगा कहाँ से आएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, नहीं आएगा, मेरा कोई कंसर्न नहीं है इसमें, तो अच्छा बात ये है मेथड के लिए। तो बस आप इसको ट्राई करो एंड डू टेल मी व्हाट यू गॉट इन योर रिजल्ट, ठीक है, पक्का बताना, डू शेयर योर रिजल्ट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय, थैंक्स।